Welcome back, my dear kids, with another chapter of our science book by Brain Root series. The name of our book is Science Spark Class 2. आज हम अपना chapter number 11 start करेंगे और हमारे chapter का नाम है water. Water मतलब पानी. तो चलिए start करते हैं अपना chapter. In this chapter, we will learn about sources of water. How water becomes dirty और हम पढ़ेंगे saving water. इन सब के बारे में हम इस chapter में पढ़ेंगे. Before we start the chapter, first we will do warm-up exercise. चलिए समझाती हूँ मैं आपको ये exercise. Unscramble these words using the picture clues to get the uses of water. यहाँ पे कुछ pictures बनी हुई हैं और उनमें क्या बताया गया है वाटर का यूज, कि हम पानी का इस्तेमाल किस किस लिए करते हैं. तो जो उनका यूज दिया हुआ है उन वर्ड्स को क्या कर रखा है, उल्टा सीधा लिखा हुआ है. आपको उन वर्ड्स को प्रॉपर ऑर्डर में लिखना है और बताना है पानी का क्या यूज हो रहा है. सबसे पहली पिक्चर में बच्चा पानी पी रहा है, तो पानी पीने को क्या कहते हैं, ड्रिंकिंग. तो हम इसे लिखेंगे डी R I N K I N G, drinking. तो पानी किस लिए यूज होता है, ड्रिंकिंग के लिए, पीने के लिए. नेक्स्ट थ्री पिक्चर आप देखेंगे और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे. प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग नीड वॉटर टू लिव. इंसान जानवर और पेड़ पौधों को जीने के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए. Life is not possible without water. We need water for doing many of our work. हमारा जीवन पानी के बिना संभव नहीं है. हमें बहुत से कामों के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है. आप डेली यूज में भी जो काम करते हैं उनमें भी आपको पानी चाहिए, पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए, सफाई करने के लिए, और भी बहुत कामों के लिए हमें पानी की आवश्यकता पड़ती है. Now we will learn sources of water. हमें पानी कहाँ से मिलता है. We receive water from rain. Rain water fills in puddles, ponds, lakes, river and stream. हमें पानी कहाँ से मिलता है, बारिश से. और बारिश के पानी से तालाब, नदी, समुद्र और छोटे छोटे गड्ढे भर जाते हैं. We can also see the rain water on the surface of the earth. हम बारिश के पानी को कहाँ देखते हैं, जमीन पर भी देखते हैं. Rain is the main source of water on the earth. बारिश का पानी सबसे बड़ा स्रोत है धरती पर. The rain water gets collected in ponds, lakes, rivers, puddles and streams. This is called surface of water. बारिश का पानी गड्ढों में, रिवर में, झीलों में और तालाबों में भर जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सरफेस ऑफ वाटर. सम ऑफ द रेन वाटर सीप्स अंडर द ग्राउंड. और कुछ बारिश का पानी जमीन के अंदर सोख लिया जाता है. दिस वाटर इज कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर. और इस तरह के पानी को हम क्या कहते हैं, अंडरग्राउंड वाटर, क्योंकि वो धरती के अंदर सोख लिया गया है. दिस वाटर इज टेकन आउट बाय यूजिंग हैंड पंप, वेल्स एंड ट्यूबवेल्स. इन आवर होम्स वी गेट वाटर फ्रॉम टैप. जो पानी धरती के अंदर है उसे हम कैसे हासिल कर सकते हैं, उसे हम ट्यूबवेल, वेल और हैंड पंप से, मतलब कुओं से और ट्यूबवेल, हैंडपंप के सहायता से प्राप्त करते हैं. घरों में पानी हमें किससे मिलता है, घरों में पानी टैप मतलब टोटी से आता है. वॉटर फ्रॉम द रिवर, लेक एंड पॉन्ड्स इज क्लीन बिफोर इट रीचेज आवर होम. नदी, झीलों और तालाबों का पानी हमारे तक आने से पहले, हमारे घरों तक आने से पहले क्या किया जाता है, क्लीन मतलब साफ किया जाता है. इन आवर होम्स वी गेट वाटर फ्रॉम टैप. हमारे घर में पानी हमें टैप से मिलता है. डर्टी वाटर कंटेन जर्म्स, इट इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग. और अशुद्ध पानी पीने से हम क्या होते हैं, बीमार हो जाते हैं.
अशुद्ध पानी पीने योग्य नहीं होता. इट कैन मेक अस इल, वो हमें बीमार बनाता है. बॉइलिंग वाटर कैन किल द जर्म्स, जब हम पानी को उबालते हैं तो पानी के कीटाणु मर जाते हैं. ड्रिंकिंग वाटर मस्ट बी स्टोर्ड इन क्लीन एंड कवर्ड यूटेंसिल्स, पीने का पानी हमेशा साफ और ढके हुए बर्तनों में ही रखना चाहिए. नाउ वी विल लर्न हाउ वाटर बिकम्स डर्टी, अब हम पढ़ेंगे पानी कैसे दूषित होता है. वाटर इन द रिवर्स पॉन्ड्स एंड लेक्स बिकम डर्टी व्हेन पीपल थ्रो गार्बेज, पीपल वॉश क्लोथ. नदियों का, झीलों का, समुद्र का पानी गंदा कब होता है? जब लोग उसमें कूड़ा डालते हैं, उसमें कपड़े धोते हैं. वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज गेट मिक्स, फैक्ट्रियों का जो गंदा कूड़ा होता है वो उनमें जाकर मिल जाता है, किसमें? नदी, तालाब और झीलों में. ह्यूमन वेस्ट गेट मिक्स, और इंसान के शरीर की गंदगी या और घरों से निकलने वाली गंदगी पानी में मिल जाती है नदियों और तालाबों के, जिससे वो दूषित होते हैं. डू यू नो, क्या आप जानते हैं? 3/4 ऑफ आर अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, हमारे पृथ्वी का 3/4 भाग पानी से ढका हुआ है. देखिए कैसे लोग कपड़े धो रहे हैं, फैक्ट्रियों का कूड़ा, और हम लोग कूड़ा कहाँ डाल देते हैं? नदियों में, तालाबों में और झीलों में, और उससे क्या होता है? वो पानी दूषित हो जाता है. तो बच्चों, हमें कभी भी नदी, तालाब, झीलों में गंदा कूड़ा नहीं डालना चाहिए, पानी को हमेशा साफ और शुद्ध रखना चाहिए. नाउ टेस्ट योर स्किल, फाइंड दीज वर्ड इन द ग्रिड, यहाँ पर वर्ड्स की ग्रिड है, उसमें से आपको जो कुछ वर्ड दिए हुए हैं इनको फाइंड करना है. दिस टेस्ट यू विल डू बाय योरसेल्फ. नाउ वी विल लर्न हाउ टू सेव वाटर, पानी को कैसे बचाया जाए. वाटर इज वेरी यूजफुल फॉर ऑल लिविंग थिंग, सभी जीवित लोगों को पानी की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो पेड़ पौधे हो, जानवर हो या फिर मानव हो. We must not waste water, हमें पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए. When it rains, buckets, drums and tanks can be filled with rain water, जब भी बारिश हो बाल्टी, ड्रम और टैंक को पानी से भर लेना चाहिए. रेन वाटर कैन बी यूज फॉर बाथिंग, वॉशिंग एंड वाटरिंग द प्लांट, बारिश का पानी नहाने में, कपड़े धोने में और पौधों को पानी देने के काम आता है. बारिश के पानी से आप घर की सफाई भी कर सकते हैं. ऑलवेज कीप कवर्ड ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी हमेशा ढक कर रखिए. हैव अ बाथ विद अ बकेट ऑफ वाटर रेदर देन अ शावर, हमेशा नहाने के लिए बाल्टी में पानी भरिए, ये नहीं कि आप शावर में नहाएं. शावर में नहाने से पानी ज्यादा वेस्ट होता है. टर्न ऑफ द टैप आफ्टर यूजिंग इट, जब आपका काम हो जाए तो आपको नल बंद कर देना चाहिए. अगर आप नल बंद नहीं करेंगे तो पानी बहता रहेगा और पानी वेस्ट होगा. नाउ टाइम टू गो इन फ्लैशबैक, देयर कैन बी नो लाइफ विदाउट वाटर, पानी के बिना जीवन संभव नहीं है. रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ, धरती पर बारिश क्या है? पानी का मुख्य स्रोत है. रेन वाटर गेट्स कलेक्टेड इन लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड एंड सीज, ड्रिंकिंग वाटर इज क्लीन बिफोर रीचिंग आवर होम, पीने का पानी हमारे घर तक पहुंचने से पहले साफ किया जाता है. वी शुड ड्रिंक क्लीन एंड फ्रेश वाटर, हमें ताजा और साफ पानी पीना चाहिए. वी शुड सेव एज मच वाटर एज वी कैन, वी शुड नॉट वेस्ट वाटर, हमें पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हमें पानी बचाना चाहिए. नाउ टाइम टू डू सम एक्सरसाइज. एक्सरसाइज 1, टिक द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन पर टिक का निशान लगाइए. वाटर व्हेन बॉइल्ड टर्न्स इनटू, जब पानी उबाला जाता है तो वो क्या बन जाता है? स्टीम, स्मोक, आइस या जम्प,
जब पानी को उबालते हैं तो वो स्टीम मतलब भाप बन जाता है। फैक्ट्रीज ड्रेन पॉल्यूटेड वाटर इनटू फैक्ट्री से जो अशुद्ध पानी होता है, दूषित पानी निकलता है, वो कहाँ जाता है? वेल में, रिवर में, ट्यूबवेल में या माउंटेन में? वो पानी जाता है रिवर में। नंबर थ्री, रेन कम्स फ्रॉम, बारिश कहाँ से आती है? सन, लेक, क्लाउड्स या रिवर? बारिश आती है क्लाउड से, बादलों से। नंबर फोर, वी मस्ट ड्रिंक वाटर विच इज, हमें कैसा पानी पीना चाहिए? पॉल्यूटेड, मिक्स्ड विद रेन, जर्म्स फ्री एंड क्लीन या फिर रेन वाटर? हमें जर्म्स फ्री, कीटाणु रहित और साफ पानी पीना चाहिए। नाउ एक्सरसाइज बी, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड। यहाँ पे कुछ खाली स्थान दिए हुए हैं, आपको सही वर्ड को चुनना है और खाली स्थान भरने हैं। नंबर वन, वी यूज डैश टू अंडरग्राउंड वाटर, हमें अंडरग्राउंड वाटर चाहिए तो हम क्या यूज करते हैं? बताइए, ऑप्शन देखिए, ग्रो, हैंड पंप, बॉइलिंग वेल्स या लाइफ? हम यूज करते हैं हैंड पंप का, तो यहाँ पे हम लिखेंगे HANDY, हैंड, PUMPS, पंप, हैंड पंप। डैश किल्स द जर्म प्रेजेंट इन द वाटर, पानी में जो कीटाणु है उसे कौन मारता है? बताइए, ग्रो, बॉइलिंग वेल या लाइफ? तो वो मारता है कौन? बॉइलिंग, BOILING, बॉइलिंग। वी डिग डैश टू गेट अंडरग्राउंड वाटर, हम क्या खोदते हैं जमीन से पानी निकालने के लिए? हम खोदते हैं वेल्स, तो हम यहां लिखेंगे WELLS, वेल्स। नंबर फोर एंड फाइव यू विल डू बाय योरसेल्फ। नाउ टाइम टू डू एक्सरसाइज सी, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दी हुई हैं, जो सही हैं उनके लिए आप ट्रू लिखेंगे और जो गलत है उसके लिए आप फॉल्स लिखेंगे। सबसे पहली स्टेटमेंट है, रेन वाटर हैज नो जम्प, रेन वाटर में कोई जम्प्स नहीं होता। यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, तो हम यहाँ लिखेंगे TRUE, ट्रू। नंबर टू, रेन वाटर कैन नॉट बी यूज बाय अस, हम बारिश का पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, तो हम यहाँ लिखेंगे FALSE, फॉल्स। नंबर थ्री, ओनली एनिमल्स नीड वाटर टू लिव, सिर्फ जानवरों को जीने के लिए पानी चाहिए। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, प्लांट्स को और ह्यूमन बीइंग को भी पानी की आवश्यकता पड़ती है। नंबर फोर एंड फाइव यू विल डू बाय योरसेल्फ। एक्सरसाइज डी, मैच द कॉलम ए विद कॉलम बी, यहाँ पे दो कॉलम है, कॉलम ए और कॉलम बी, आपको उनको मैच करना है। कॉलम ए में कुछ बातें लिखी हुई हैं और कॉलम बी में उनसे रिलेटेड पिक्चर बनी हुई है, तो चलिए हम सेंटेंस पढ़ते हैं। पहला, दिस वाटर इज नॉट प्रॉपर फॉर ड्रिंकिंग, बताइए कौन सा पानी पीने के लिए प्रॉपर मतलब सुरक्षित नहीं है या फिर पीने योग्य नहीं है। पहली पिक्चर है वाटर टैंकी, देन क्लाउड, देन टैब, देन पडल, गड्ढा। तो पहली पिक्चर, पहली स्टेटमेंट को हम मैच करेंगे डी वाली पिक्चर से। नंबर टू, वेस्टेज ऑफ वाटर, बताइए कौन सी पिक्चर को देखकर आपको लग रहा है कि पानी वेस्ट हो रहा है? पिक्चर नंबर सी, क्योंकि टैप खुला हुआ है और पानी वेस्ट हो रहा है। नंबर थ्री एंड नंबर फोर यू विल डू बाय योरसेल्फ। नाउ एक्सरसाइज ई, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। माय डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज ई यू विल डू बाय योरसेल्फ। Once again, read your chapter very carefully and answer the following questions. My dear kids, in this chapter we have learned about water. हमने पानी के बारे में इस chapter में पढ़ा. I hope you like this video. Stay tuned for next video. Till then, take care. Bye-bye.